एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोरास ट्यूटोरियल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों ओर प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट्स को खतरा हो सकता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मेडिसिन में माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो सकता है, और स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी लैब की बात करें तो कल्चर मीडिया को इनोकुलेट करने से पहले कल्चर मीडिया फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना ज़रूरी है। और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यानी माइक्रोब्स को किसी भी इंस्ट्रूमेंट, आर्टिकल, मीडियम या एरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसे कहते हैं स्टरलाइजेशन। तो आज के इस वीडियो में स्टरलाइजेशन का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स और हर एक मेथड को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम इसे पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आपको जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, स्टरलाइजेशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड एवरीवेयर एंड प्रोड्यूसेस कंटेमिनेशन, इन्फेक्शन एंड डिके ऑफ फूड एंड मेडिसिन, और इसीलिए उन्हें रिमूव करना यानी डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। यानी तो स्टरलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी चीज़ या एरिया पर के पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना और क्रॉस कंटेमिनेशन की चेन तोड़ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे इन माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करें। तो स्टरलाइजेशन मेथड स्पेशली बेस्ड है डीनेचुरेशन ऑफ माइक्रोबियल प्रोटीन, इंटरप्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इन सभी वजह से बैक्टीरियल सेल किल होंगे। स्टरलाइजेशन मेथड्स जानने से पहले हम एक नज़र कुछ टर्म्स पर डालते हैं जो कि स्टरलाइजेशन से जुड़ी है। सबसे पहले तो जानते हैं स्टरलाइजेशन क्या है। स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई आर्टिकल, किसी चीज़ का सरफेस या मीडियम को सभी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइदर इन लिविंग फॉर्म और स्पोर फॉर्म से फ्री करना। ऐसे और कुछ टर्म्स है जैसे कि डिसइन्फेक्शन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन बट नॉट स्पोर। इस प्रोसेस में पूरे माइक्रोब्स किल नहीं होते लेकिन उनका नंबर ज़रूर कम हो जाता है जो आगे हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होता, और इस प्रोसेस में स्पोर्स किल नहीं होते। नेक्स्ट इज सेप्सिस मीन्स प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन और कोई इन्फेक्शियस मटेरियल और एजेंट। असेप्सिस मीन्स फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन या प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट विथ पैथोजन्स। इन्फेक्शन मीन्स बॉडी टिश्यूज में पैथोजेनिक बैक्टीरिया का हमला होना। इन्फेक्शन कंट्रोल मीन्स प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किलिंग और रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड सरफेस। नेक्स्ट एंटीसेप्टिक मीन्स द केमिकल एजेंट यूज ऑन और इन लिविंग टिश्यू टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये एजेंट सिर्फ लिविंग टिश्यू पर यूज़ करते हैं जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को सिर्फ रोकते हैं, जैसे कि घर घर में यूज़ होने वाला डेटॉल। कंटेमिनेशन मीन्स ऐसी कोई भी छोटी से छोटी किसी मटेरियल का अनवांटेड कॉन्स्टिट्यूएंट जो नेचुरल एनवायरनमेंट या वर्कप्लेस या बॉडी पर होता है, जैसे कि माइक्रोब्स या कोई और पदार्थ। और डीकंटेमिनेशन का मीनिंग है कंटेमिनेशन को स्टरलाइजेशन या डिसइन्फेक्शन प्रोसेस से रिमूव करना। नेक्स्ट देखते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन प्रोसेस के तीन मेथड हैं, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आता है ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट, जैसे कि ड्राई हीट में सनलाइट, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन एंड लार्ज स्केल पर हॉट एयर ओवन। मॉइस्ट हीट में पास्चराइजेशन, बॉइलिंग, इंस्पीसेशन, वैक्सीन बाथ, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम अंडर प्रेशर लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव। नेक्स्ट इज रेडिएशन विच इंक्लूड्स नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग रेडिएशंस। नेक्स्ट है केमिकल स्टरलाइजेशन विच इंक्लूड्स केमिकल एजेंट लाइक अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, डाइज,
हैलोजन्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, साल्ट्स एंड गैसेस. नेक्स्ट है मैकेनिकल स्टरलाइजेशन विच इंक्लूड्स फिल्ट्रेशन लाइक कैंडल फिल्टर, एस्बेस्टॉस पैड एंड मेम्ब्रेन फिल्टर्स एंड अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक वाइब्रेशंस. तो चलिए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन डिटेल में. फिजिकल मेथड में हीट को यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय करने के लिए. हीट में ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट दोनों यूज़ करते हैं. माइक्रोब्स के लिए उनके सर्वाइवल के लिए बॉडी मॉइस्चर होना ज़रूरी है. अगर ड्राई हीट यूज़ करते हैं तो माइक्रोब्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं और इसीलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाते. हीट की वजह से प्रोटीन डीनेचुरेशन होता है. ऑक्सीडाइजिंग मॉलिक्यूल सेल का डैमेज कर देते हैं. सेल के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट लेवल इंक्रीज होकर टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं. इस तरह हीट बैक्टीरिया को किल कर देती है. टाइम ऑफ स्टरलाइजेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ एक्सपोजर. मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो टाइम घटेगा और कम टेम्परेचर पर ज़्यादा टाइम के लिए स्टरलाइजेशन करना पड़ेगा. थर्मल डेड टाइम मीन्स मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ सस्पेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर इन अ स्पेसिफाइड एनवायरमेंट. आगे देखते हैं ड्राई हीट में हम किस तरह से स्टरलाइजेशन कर सकते हैं. नेचुरल सनलाइट. जैसे हम सभी को पता है सनलाइट में यूवी रेज प्रेजेंट है जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देता है. सनलाइट में हीट होती है जो बैक्टीरिया का मॉइस्चर कंटेंट कम करके बैक्टीरिया को किल करता है. नेक्स्ट इज रेड हीट. ये मेथड में इनोकुलेटिंग लूप्स, स्ट्रेट वायर्स, फोरसेप्स, स्पैचुलास को रेड हॉट होने तक बंसन फ्लेम पर रखा जाता है जिससे सरफेस पर होने वाले पैथोजेंस किल हो जाते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज फ्लेमिंग. ये भी रेड हीट की तरह बंसन फ्लेम पर ही किया जाता है लेकिन यहाँ रेड हॉट तक होल्ड नहीं किया जाता. सिर्फ 3 से 4 बार फ्लेम पर से पास किया जाता है. ग्लास लाइट्स, माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स एंड बॉटल्स, स्कालपेल्स, ब्लेड्स, नीडल्स, फोरसेप्स, इनको हम इस मेथड से स्टरलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इंसिनरेशन. इसे स्पेशली टर्मिनल स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं. मींस जिस आर्टिकल सैंपल को हमें आगे यूज नहीं करना है लेकिन इनको ऐसे ही रखने से माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़कर क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है. इसीलिए इनको सिंपली कहा जाए तो जला दिया जाता है जो आगे राख में बदल जाता है. इसके लिए इंसिनरेटर नाम का स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिक पर चलता है और इसके लिए इस मेथड का नाम इंसिनरेशन है. हॉस्पिटल या एंड पैथोलॉजी लैब के इन्फेक्टिव मटेरियल्स लाइक स्टूल, स्पूटम, बैंडेजेस, हॉस्पिटल के पुराने बेड्स, इन सब को इस मेथड से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अब देखते हैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और नॉलेज के लिए भी, जिसे इंडस्ट्रीज, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट और लैब स्केल पर यूज़ करते हैं, हॉट एयर ओवन. सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं. तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं ये एक डबल वॉल चेंबर है जो स्टील से बना होता है. दो वॉल के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे कि ग्लास फाइबर्स या एस्बेस्टॉस भरा होता है जो हीट लॉस होने नहीं देता. इसका डोर भी डबल वॉल्ड होता है जिसे इनर साइड में एस्बेस्टॉस गैस्केट होता है. चेंबर में 2 to 3 परफोरेटेड शेल्व्स फिक्स होती है जिस पर हम जो भी मटेरियल को स्टरलाइज करना है उसे रख सकते हैं. इलेक्ट्रिक फैन और हीटिंग एलिमेंट एक तो टॉप या बॉटम में प्रेजेंट होता है जो इलेक्ट्रिकली हीट होकर इलेक्ट्रिक फैन उस हीटेड एयर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है. हॉट एयर ओवन का इनसाइड टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर भी प्रेजेंट होता है और बाहर डिजिटली हम टेम्परेचर देख सकते हैं. इसी के साथ टाइमर, मेन ऑन ऑफ स्विच,
टेम्परेचर नॉब भी होता है। इसका स्टैंडर्ड होल्डिंग टाइम पीरियड है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, लेकिन डिपेंडिंग ऑन मटेरियल इसे वैरी भी कर सकते हैं, जैसे कि 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर एंड 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। इस ओवन के एप्लीकेशन है ग्लासवेयर्स लाइक ग्लास सिरिंजेस, पेट्री डिशेस, पिपेट्स, टेस्ट ट्यूब्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्कालपेल, सीजर, फोसेप एंड केमिकल्स लाइक लिक्विड पैराफिन, फैट्स, डस्टिंग पाउडर्स का स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। इसे यूज़ करते वक्त कुछ प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, लाइक इसे ओवरलोड नहीं करना है, ओवरलोडिंग से स्टरलाइजेशन ठीक से नहीं होगा, मटेरियल को ठीक से अरेंज करना है जिससे एयर फ्रीली सर्कुलेट हो, ड्राई मटेरियल में को ही इसमें स्टरलाइज करना है। टेस्ट ट्यूब एंड फ्लास्क ऐसे ग्लासवेयर्स एक तो कॉटन से या पेपर में रैप करके स्टरलाइज करने हैं, रबर और इनफ्लेमेबल यानि ज्वलनशील मटेरियल इसमें नहीं रखना है, और ओवन खोलने से पहले 2 घंटे कूल करके ही खोलना है। इस इंस्ट्रूमेंट के एडवांटेजेस है कि हम इसमें ऐसे सब्सटेंस को स्टरलाइज कर सकते हैं जो मॉइस्ट हीट के वजह से स्पॉइल हो जाते हैं, जैसे कि ऑयल्स और पाउडर्स। दूसरा कि असेंबल्ड इक्विपमेंट को भी हम स्टरलाइज कर सकते हैं लाइक ग्लास सिरिंजेस, और मॉइस्ट हीट के कंपेयर में ये ग्लास और मेटल के इक्विपमेंट को ज़्यादा डैमेज नहीं करता। इसी के साथ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि सर्जिकल ड्रेसिंग को हम इसमें स्टरलाइज नहीं कर सकते, और बहुत से मेडिकामेंट्स, रबर, प्लास्टिक के आर्टिकल्स को भी हम ज़्यादा टाइम के लिए हीट को एक्सपोज नहीं कर सकते। तो ये हुआ हॉट एयर ओवन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मॉइस्ट हीट, यानी कि भाप, वेपर्स। पाश्चराइजेशन आपने इसके पहले भी सुना होगा। ये मेथड स्पेशली मिल्क के लिए यूज़ करते हैं। मिल्क में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जिससे जल्दी से उस पर बैक्टीरियल ग्रो होने लगते हैं और मिल्क को स्पॉइल कर देते हैं। इसीलिए हम घर में भी दूध उबाल कर रखते हैं जिससे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और मिल्क ज़्यादा टाइम के लिए स्टेबल रहता है। पाश्चराइजेशन मेथड लुइस पाश्चर ने डेवलप की थी, जिसमें मिल्क, क्रीम, कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस को कंट्रोल्ड हीट ट्रीटमेंट देते हैं, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम यूज़ करते हैं। इसमें 2 मेथड्स हैं। होल्डर मेथड में 65 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए पाश्चराइज किया जाता है, और फ्लैश मेथड में 72 डिग्री सेल्सियस पर 15-20 सेकंड के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट है इंस्पीसेटर सेशन। ये मेथड स्पेशली सॉलिडिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन इसी में कुछ हद तक स्टरलाइजेशन भी हो जाता है। इसे फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें सीरम और एग का स्लो सॉलिडिफिकेशन करते हैं इंस्पीसेटर में 80-85 डिग्री सेल्सियस पर 1/2 आवर के लिए लगातार 3 दिनों तक हीट करते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीन बाथ। इस मेथड में वाटर बाथ पर 60 डिग्री सेल्सियस पर 1/2 आवर डेली हीटिंग करते हैं। वैक्सीन सीरम बॉडी फ्लूइड्स को इसमें स्टरलाइज किया जाता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें है बॉइलिंग। 10-30 मिनट्स पर बॉइलिंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, लेकिन स्पोर किल नहीं होते। पहले सिरिंज और नीडल्स को स्टरलाइज करने के लिए ये मेथड यूज़ करते थे, बट नाउडेज बॉइलिंग को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के स्टरलाइजेशन के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। नेक्स्ट है टिंडलाइजेशन। ये मेथड कल्चर मीडियम कंटेनिंग शुगर और जिलेटिन को स्टीम करते हैं कोच और अर्नोल्ड स्टीमर में। टिंडलाइजेशन में 100 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए 3 दिनों तक मीडिया को स्टरलाइज करते हैं। पहले हीट एक्सपोजर के फर्स्ट टाइम में वेजिटेटिव सेल किल होते हैं, और जो स्पोर्स हैं वो न्यूट्रिएंट मीडियम में जर्मिनेट होकर वेजिटेटिव सेल में बदल जाते हैं, जो नेक्स्ट हीट एक्सपोजर पर किल हो जाते हैं। लेकिन स्पोर्स को इस मेथड से पहली बार में ही किल नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस मेथड को ऑफिशियल फार्माकोपिया से डिलीट कर दिया है।
नेक्स्ट लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज और लैब में यूज करते हैं ऑटोक्लेव, जिसमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। इसकी थोड़ी बहुत बनावट और वर्किंग घर में यूज होने वाले प्रेशर कुकर की तरह होती है। ये एक मेटालिक चेंबर है जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डबल वॉल से बना होता है। मेटल में गन मेटल और स्टेनलेस स्टील को यूज़ करते हैं। इसके ढक्कन पर स्टीम वेंट, प्रेशर गॉज और सेफ्टी वॉल प्रेजेंट होता है। लीड को स्क्रू क्लैंप से फिट किया जाता है। लीड के इनर साइड में रबर गैस्केट फिट होता है जो लीड को एयरटाइट करता है। ऑटोक्लेव के बॉटम में हीटिंग एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से हीट होता है और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। कुकर की तरह इसमें बॉटम में वाटर फिल करना है। नीचे एक स्टैंड होता है जिस पर एक मटेरियल को रखने के लिए बास्केट होती है। बास्केट में मटेरियल रखकर लीड को बंद करना है। स्क्रू और क्लैंप टाइट करना है। लीड पर का वेंट को ओपन करना है और मेन स्विच ऑन करना है। एयर स्टीम का मिक्सचर वेंट से बाहर आने पर वेंट बंद करना है। जब तक डिजायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर अचीव नहीं होता तब तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना है और स्टेटेड टाइम पीरियड होने पर ऑटोक्लेव ऑफ करना है। उसके बाद उसे कूल होने देना है एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आने तक। फिर वापस से वेंट ओपन करके स्टीम को निकालना है और फिर लिड ओपन करके स्टरलाइज मटेरियल को बाहर निकालना है। ऑटोक्लेव का स्टैंडर्ड टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 15 LBS और होल्डिंग टाइम 15 टू 20 मिनट होता है। ज़्यादा टेम्परेचर भी स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे 126 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स और 130 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 मिनट्स। ऑटोक्लेव में जो स्टीम प्रोड्यूस होती है वो मटेरियल के कांटेक्ट में आती है। जब तक मटेरियल का सरफेस स्टीम के टेम्परेचर से इक्वल नहीं होता तब तक हीट ट्रांसफ़र होता है। मॉइस्ट हीट बैक्टीरियल प्रोटीन का कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन करता है जिससे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। मॉइस्ट हीट स्पोर में भी पेनिट्रेट होती है और इसीलिए ऑटोक्लेव में स्पोर भी किल होते हैं। ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं ऐसे मटेरियल को स्टरलाइज करने के लिए जिसे हम हॉट एयर ओवन में नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लाइक कल्चर मीडिया, रबर गाउन्स, ड्रेसिंग्स, ग्लव्स एक्सेट्रा। एडवांटेजेस ये है कि स्टीम में ड्राई हीट से ज़्यादा किलिंग पावर होती है और मोस्टली वेजिटेटिव एज वेल एज स्पोर कैन किल बाय ऑटोक्लेविंग। बट डिसएडवांटेज ये है कि पाउडर और ऑयल्स को हम इसमें स्टरलाइज नहीं कर सकते और जो मटेरियल ऑटोक्लेविंग के टेम्परेचर पर स्पॉइल होता है उन्हें भी हम इसमें स्टरलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ फिजिकल स्टरलाइजेशन का ही टॉपिक फिनिश होता है। रेडिएशन, केमिकल स्टरलाइजेशन और आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक यूं ही मौर्याज ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहे। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।